पश्चिमोत्तानासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहे तो मन शांत होगा, नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा। इसके साथ जैसे पश्चिमोत्तानासन, पश्चिम मीन्स पीछे की जितनी भी मांसपेशियां हैं, बैक की जितनी भी मांसपेशियां, चाहे आपके घुटने के पीछे, चाहे आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी, इसमें ज़बरदस्त खिंचाव आएगा जिससे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। साथ ही पेट पर दबाव आने से ये आपका डाइजेशन भी बेहतर करता है। तो कैसे करेंगे इसका अभ्यास? दोनों पैरों को जोड़ लिया है, दोनों हाथों को इस तरीके से उठाएं और थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं, ऐसे लीन बैक हो जाएं। ऐसा लीन बैक इसलिए हो रहे हैं ताकि स्पाइनल कॉर्ड लेंथन हो जाए, हाथ को जितना हो सके छत की तरफ खींचे और फिर उसके बाद अपने ध्यान को अपने लोअर बैक पर रखें। खिंचाव कैसा आ रहा है, नाभि को हल्का सा अंदर की तरफ खींचें और ऐसा महसूस करें कि आपको आगे से कोई पुल कर रहा है, खींच रहा है। और फिर धीरे 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 अब आपकी थाई का दबाव पेट पर आ रहा है, छाती जो है थाई की तरफ जा रही है और माथा आपका घुटने की तरफ, ऐसे। और अपने पैर को पकड़ लें और कम से कम 10 सेकेंड यहाँ पर रुकेंगे। 30 सेकेंड रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए, ब्रीद करते हुए और फिर सांस लेते हुए उठ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो पश्चिमोत्तानासन में इतना आगे झुक जाएं। जिनको लोअर बैक पे टेंशन है वो तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम झुकेंगे तो उनकी लोअर बैक की टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ना करें। इसीलिए कहा जाता है कभी भी योग का अभ्यास किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में करें, क्योंकि हर एक योगा पोस्चर हर एक इंसान के लिए नहीं होता है और इन छोटी छोटी वीडियोज़ में हर एक इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं जा सकती है। तो अब अगर इतना सामने नहीं झुक सकते हैं तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मेरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होगी उतना ही अभ्यास करेंगे। हो सकता है आज फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है आगे झुकने की, तो क्या कर सकते हैं? इतना झुक जाएं जहां तक हाथ पहुंचे। बस आपको देखना है कि क्या आपको कमर पर खिंचाव आ रहा है, क्या आपको पैरों के पीछे खिंचाव आ रहा है, और अगर आ रहा है तो आप अपने आप सही आसन का अभ्यास कर रहे हैं। तो जितना आप आगे झुक सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसी तरीके से अभ्यास करें।